हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा। जानवरों में अगर हम देखें तो गधा जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। बुद्धिहीन मतलब कि सबसे कम दिमाग वाला माना जाता है, क्योंकि जो गधा है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सहन कर लेता है। मतलब गधे के ऊपर आप बोझ रख दोगे वो उसे भी सहन कर लेगा, गधे को खाने के लिए नहीं दोगे तो वो खाने के लिए भी नहीं बोलेगा। तो मतलब बड़ा ही सीधा साधा होता है। सुख दुख हानि लाभ इन सारी चीज़ों के अंदर जो गधा है वो एक ही समान रहता है। मतलब कुछ भी उसके नेचर के अंदर चेंज नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आप तो आसमान में उड़ जाओगे, पर यही अगर कोई गधा होगा तो गधे के अच्छे नंबर आ गए तो वो नॉर्मली रहेगा कि भाई ठीक है आ गए तो आ गए। अब यहाँ पर गधे की बात क्यों बताई गई है? चैप्टर का नाम तो दो बैलों की कथा है, तो इसके अंदर बेसिकली कुछ कंपैरिजन दिखाया गया है और उसी के रिलेटेड हमें चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भारतीय जो हैं यानी कि जो इंडियंस हैं ये बहुत ज़्यादा सहनशीलता वाले लोग होते हैं। हम इंडियंस बहुत सहनशीलता वाले लोग होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। इसीलिए जब हम लोग अफ्रीका या अमेरिका जैसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा अपमान होता है, हमारी बेइज्जती करी जाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसका कुछ भी जवाब नहीं देते, क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई छोड़ो छोड़ो, इग्नोर करो, इस चीज़ को सहन करते रहो। तो अब गधे से आप समझ सकते हो कि किसका कंपैरिजन हुआ है और हमें क्या मैसेज देने की कोशिश करें। अगर हम गधे की बात करें तो जो गधा है उससे थोड़ा ही कम अगर हम लोग देखें तो सीधा प्राणी होता है बैल। अब जो बैल है ना, बैल एक स्थान गधे से नीचे ही आता है, क्योंकि वो भी कभी कभी अड़ जाता है। अब बैल की खासियत यह है कि अगर वो अड़ गया ना एक बार अपनी वाली पे तो वो किसी की नहीं सुनता, वो फिर अपनी बात मनवा कर रहता है। अब शुरुआत होती है मेन कहानी की। झूरी नाम का एक आदमी था, उसके पास दो बैल थे, एक का नाम था हीरा, दूसरे का नाम था मोती। अगर इन दोनों बैलों को देखे तो इनकी जो ब्रीड थी यानी कि जो जाति थी वो पिछाई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर थे, और जो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर था यानी कि देखने में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे। लंबे समय से ये एक दूसरे के साथ रह रहे थे, तो इसीलिए इन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। अरे भाई वो वाला प्रेम नहीं, यहाँ पर हम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो यारी दोस्ती और फ्रेंडशिप वाला प्रेम है। तो ये जो दोनों बैल थे ना, इन दोनों में बहुत ही अच्छी यारी दोस्ती फ्रेंडशिप थी। ये साथ में ही उठते थे, साथ में ही बैठते थे, साथ में ही खाना पीना खाया करते थे, कभी कभी एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर प्रेम भी प्रकट किया करते थे। अब आप सोच रहे होगे ये क्या तरीका है, तो भाई एनिमल्स इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे की बात इशारों इशारों में ही समझ जाया करते थे, मतलब अपने ही इशारे करें और तुरंत के तुरंत सारी बात समझ जाते थे। जो झूरी था इनका मालिक, वो एक दिन डिसाइड करता है यानी कि एक दिन सोचता है कि क्यों ना मेरे जो दोनों बैल हैं हीरा और मोती, इनको मैं अपने ससुराल भेज दूं। अब जो ये दोनों बैल थे बेचारे, जब इनको भेजने की तैयारी करी जाती है तो इन्हें ये लगता है कि हमारा जो मालिक है झूरी वो हमें बेच रहा है यानी कि सेल कर रहा है, इसीलिए ये दोनों जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब बेचारा झूरी बड़ा परेशान होता है, वो सोचता है कि इन दोनों बैलों को मैं तो अपने ससुराल भेजना चाह रहा था, ये जा ही नहीं रहे। अब जो झूरी होता है ना, उसका साला गया आता है और बड़ी मुश्किल से इन दोनों बैलों को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन ये दोनों बैल जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब हीरा और मोती झूरी के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने वहां पर चारा ही नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चले गए। मतलब कि चुपचाप उन्होंने प्लान बनाया और उन्होंने डिसाइड करा कि जो हमारा पहले वाला मालिक था झूरी, हम उसी के घर पे चलते हैं। सुबह सुबह जब झूरी उठता है तो वो देखता है कि दोनों के दोनों बैल उसकी चरनी पर खड़े हैं यानी कि उसके गेट पर खड़े हुए हैं। ये चीज़ देख कर झूरी बहुत खुश होता है। घर के तथा जो भी गाँव के बच्चे थे वो सब भी बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब जितने भी घर के लोग होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। गांव के जितने भी बच्चे होते हैं खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, बोलते हैं अरे वाह ये बैल कितने समझदार हैं, अपने मालिक के घर पर आ गए वापस।
झूरी की जो पत्नी थी उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत नाराज हो जाती है। वो बोलती है कि ये जो बैल है ना, ये नमक हराम है। अब ऐसा वो क्यों बोलती है, क्योंकि भाई उस जो झूरी की पत्नी थी उसी के घर पे तो गए थे ये बैल, और अब वहाँ से लौट कर आ गए, इसलिए उसे लग रहा था कि ये जो बैल है ये नमक हराम है। गुस्से में झूरी की जो पत्नी है वो डिसाइड करती है कि ये जो दोनों बैल हैं इनको मैं क्या करूँगी, सूखा चारा डालूँगी। अब सूखा चारा मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जो चारा है ना, सूखा चारा आसानी से कोई भी एनिमल या कोई भी पशु खा नहीं सकता। झूरी ने अपने नौकरों को बोला कि जो चारा है ना इसमें खली मिला दो। खली क्या होता है, इससे क्या है, जो चारा है ना उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा टेक्सचर आ जाता है कि ईजिली एनिमल खा पाए, कोई भी जानवर खा पाए। खली आप ये चीज़ समझो कि उसे डालते ही चारे के अंदर वो खाने लायक हो जाती है। सूखा चारा क्या करता है कि मुंह के अंदर चुपकने लगता है एनिमल्स के, अच्छे से वो उसको खा नहीं पाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आती है उन्हें। तो झूरी ने अपने नौकरों को ये चीज़ कहा था, लेकिन जो नौकर थे वो मालकिन के डर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, चारे के अंदर खली नहीं मिलाते। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैंपल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ, SST के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। दूसरे दिन जो गया था, यानी कि झूरी का साला, वो दोबारा से हीरा और मोती को अपने घर ले गया। इस बार उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और उनको खाने में सूखा चारा डाला गया, मतलब ऐसा चारा डाला गया जिसको खा ही नहीं सकते जानवर, मतलब खाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, उस तरीके का चारा डाला। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, यानी कि जो हीरा और मोती थे उन्हें लगा कि भाई अब तो इज्जत पे बात आ गई, हमारी बेइज्जती हो रही है। और अगले दिन जब उनको हल जोतने के लिए ले जाया गया तो उन्होंने हल जोतने से मना कर दिया, यानी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है हल जोतना, उसके लिए उन्होंने मनाही कर दिया कि हम नहीं जा रहे भाई तुम्हारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, यानी कि खेतीबाड़ी में हेल्प नहीं कर रहे। गया ने फिर गुस्से में आकर उन्हें डंडों से मारा, उन्होंने हल जोत जुआ ये सब चीज़ें तोड़ दी गुस्से में आकर। अब जो गया था ना उसने उन्हें मारा, और जब हीरा और मोती को गुस्सा आया तो उन्होंने हल वल सारी चीज़ें तोड़ डाली, मतलब जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए चीज़ें यूज़ होते थे, टूल्स यूज़ होते थे, सबको तोड़ दिया और फिर वहाँ से भाग गए। लेकिन जो हीरा और मोती थे उनके गले में लंबी लंबी रस्सियाँ बंधी थी, इसी वजह से वो पकड़े गए। अगले दिन फिर दोबारा दोनों को सूखा चारा मिला। शाम के समय पास ही पड़ोस के अंदर एक भैरो नाम के आदमी रहते थे, उनकी नन्ही सी बिटिया जो थी, यानी कि लड़की थी, वो हीरा और मोती को 2 रोटियां डालकर जाती है। अब हीरा और मोती बड़ी ही प्रसन्नता से, यानी कि बहुत खुश होकर इन दोनों रोटियों को खाते हैं। ये जो नन्ही लड़की थी, इसकी सौतेली माँ थी, वो इसे बहुत परेशान किया करती थी। मोती के दिल में ये आया कि जो इसकी सौतेली माँ है इसे वो उठाकर फेंक दे, लेकिन वो इस नन्ही लड़की की वजह से, यानी कि इस छोटी बच्ची की वजह से चुप रह गया और उसकी सौतेली माँ को कुछ नहीं किया। अगली रात उन्हें, यानी कि हीरा और मोती को, एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। वो रस्सी तोड़कर भागने की तैयारी कर लेते हैं। रस्सी को कमजोर करने के लिए वो उसे चबा रहे थे, उसी समय ये जो नन्ही लड़की थी, यानी कि जो छोटी सी बच्ची थी, ये आती है वहां पर और इन दोनों बैलों की रस्सियों को खोल देती है। लेकिन फिर भी ये दोनों बैल भागते नहीं हैं, क्योंकि अब ये सोचते हैं कि अगर हम लोग भाग कर चले गए तो ये जो बेचारी नन्ही लड़की है इसका क्या होगा। तो हीरा मोती भागते ही नहीं है। तभी अचानक से
उस नन्ही लड़की ने शोर मचाना शुरू करा। अरे बैल भागे जा रहे हैं, अरे बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो, दादा भागो। अब ऐसा क्यों कर रही थी वो लड़की? क्योंकि उसे पता था कि हीरा और मोती उस लड़की से बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, और वो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते। पर वो लड़की उनकी भलाई चाहती थी, वो चाहती थी कि ये दोनों यहाँ से बचकर निकल जाएं। हीरा और मोती को भी भागना पड़ता है। अब हीरा और मोती क्यों भागते हैं? वो तो उस लड़की से बहुत प्यार करते थे, उसे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। भाई उन्हें इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में हमें देख लिया, ऐसी स्थिति में हमें देख लिया कि हमने रस्सियाँ काट कर कमज़ोर करी हैं, तो बहुत ज़्यादा जो गया गया है झूरी का साला, वो हमें बहुत मारेगा और फिर हमें सूखा चारा डालेगा। तो इस वजह से बेचारे डर के मारे वहाँ से भागते हैं। जितने भी गाँव के लोग थे गया के साथ साथ, वो हीरा और मोती का पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर हीरा और मोती तो भाई बहुत ही स्पीड में निकल गए थे वहाँ से, किसी के भी हाथ नहीं आ रहे थे। अब हीरा और मोती भाग तो बड़ी स्पीड में रहे थे, पर वो अपने आसपास का रास्ता भी भूल गए थे। इधर उधर भागते भागते वो एक तरीके से गुम हो गए थे। अचानक से वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारी मटर होती है। तभी अचानक से एक सांड आ गया, और ये जो सांड था ना, ये सांड इन दोनों हीरा और मोती पे हमला करने के लिए तैयार था। दोनों हीरा मोती डर गए थे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। इन्होंने बोला, भाई अब तो इस सांड को हराना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करते हैं कि ऐसा करेंगे, जब एक आदमी इस सांड से लड़ रहा होगा, मतलब हीरा अगर तुम सांड से लड़ रहे होगे, तो मोती बोलता है कि मैं उस सांड के पेट पर अपने सींग घुसाऊंगा, और अगर ये मेरे ऊपर हमला करेगा तो फिर तुम उसके पेट में सींग घुसाना। तो इस तरीके से इन दोनों ने प्लान बनाया और उस सांड को हराने के लिए ये लोग तैयार थे। एंड में जो हीरा मोती थे वही जीत जाते हैं, और जो सांड था उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, बेदम हो गया था बिल्कुल। तो हीरा मोती उस सांड पर दया कर कर उसको छोड़ देते हैं। जीत की खुशी में जो मोती है वो फिर दोबारा मटर के खेत में जाता है और खूब सारे मटर खाता है। तब तक दो आदमी लाठी लेकर आते हैं। उन्हें देखकर हीरा तो भाग गया, लेकिन जो मोती था ना, वो मटर खाने में बिजी था, और मटर खाते खाते उसने ध्यान नहीं दिया, पर वो कीचड़ में फंस गया था, तो वो वहाँ से नहीं भाग पाया। उसे कीचड़ में फंसा हुआ देखकर हीरा भी फिर वापस आ जाता है। वो सोचता है कि यार मैं मोती को कैसे छोड़ूं। अब जो ये आदमी थे ना, इन दोनों आदमियों ने डिसाइड करा कि ये जो जानवर है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारी फसल को, तो इनको पकड़ कर पता है कहाँ भेज दिया गया? कांजी हाउस में। कांजी हाउस एक तरीके की जानवरों की जेल थी। यहाँ पर जानवरों को बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता था। हीरा मोती अब कांजी हाउस वाली जगह पर आ गए थे। जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं तब देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ हैं, भैंस हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, और सबकी हालत ऐसे है जैसे कि वो लोग मरने वाले हैं, मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन में। भूख के मारे हीरा और मोती भी बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। अब ये जो काजी हाउस वाली जगह थी ना, ये इस तरीके की जेल थी जहाँ पर जितने भी जानवर थे उनको खाना पीना भी नहीं मिलता था। तो हीरा और मोती को भी खाना पीना नहीं मिलता, बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। दीवार के ऊपर से मिट्टी चाटने लगते हैं, कैसे ना कैसे करके थोड़ी भूख इनकी ख़त्म हो इस चीज़ के लिए। रात में हीरा का जो मन था वो एकदम से उसके मन के अंदर विद्रोह आता है, मतलब वो डिसाइड करता है कि भाई बहुत हो गया, बहुत प्रॉब्लम सहन कर ली, अब तो अब मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। जो भी बची कुची जान थी, हीरा अपनी पूरी जान लगा देता है और ज़ोर ज़ोर से सींग मारने लगता है दीवार में। तभी कुछ मिट्टी गिरने लगती है, और जैसे ही मिट्टी गिरने की आवाज़ आती है तो काजी हौस का जो चौकीदार था वो लैंटेन लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और ज़ोर ज़ोर से हीरा के डंडे मारने लगता है और उसको मोटी सी रस्सी से बांध देता है। मोती जो था वो इस काजी हौस के चौकीदार को चिढ़ाने की बहुत कोशिश करता है। हीरा और मोती फिर बाद में बात कर रहे होते हैं। हीरा बोलता है, अरे यार काश ये दीवार गिर जाती, अगर ये दीवार गिर जाती तो कितने सारे जानवर आज़ाद हो जाते। इस बात को सुनकर मोती भी सोचता है कि भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा है हीरा, इसकी हेल्प करनी चाहिए, दीवार गिरानी चाहिए।
मोती ने हिम्मत कर बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भागने लगे, लेकिन गधे वहीं पर बैठे रहे। गधों ने बोला कि भाई भागने से क्या फायदा है, फिर दोबारा पकड़े जाएंगे, फिर हमें यहाँ लाया जाएगा, इससे बढ़िया हम तो यहीं ठीक हैं। मोती ने उन्हें सींग मार कर भगाया कि भागो भागो यहाँ से। हीरा ने मोती को कहा कि भाई मोती तुम भी भाग जाओ इन सब जानवरों के साथ, लेकिन मोती नहीं भागा। अब भाई ये जो हीरा है ये क्यों नहीं भागा, और मोती को भी क्यों रुकना पड़ा है हीरा की वजह से? अगर आपको याद हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लांटेन लेकर कौन आया था, चौकीदार आया था, उसने हीरा को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया था, इसलिए हीरा भाग नहीं पा रहा था। तो मोती जो था वो भी नहीं भागता है हीरा की वजह से। वो बोलता है कि यार मैं अपने दोस्त को ऐसे प्रॉब्लम में यानी कि विपत्ति में छोड़कर कैसे चले जाऊं। सुबह होती है, और जैसे ही सुबह होती है काजी हाउस में सारे लोग आते हैं। वो देखते हैं कि एक दीवार गिर चुकी है, और वहाँ से आधे से ज़्यादा यानी कि ऑलमोस्ट मान लो सारे ही जानवर भाग गए हैं, बस दो ही जानवर बचे हैं, कौन? हीरा और मोती। अब जो हीरा था वो तो रस्सियों से बंधा हुआ था, तो मोती ही जो था वो ही था मेन जिसने दीवार को गिराया होगा। इस वजह से मोती को बहुत मारा जाता है, मार मार कर इतना मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं कि मोती की बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर उसको रस्सियों से बांध देते हैं। हीरा मोती एक हफ्ते से काजी हाउस वाली जो जेल थी वहाँ बंद थे। एक हफ्ता हो चुका था, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, केवल दोपहर में पानी दिया जाता था उन्हें। दोनों बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। एक दिन नीलामी होती है यानी कि ऑक्शन होता है। अब ऑक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी जानवर होते हैं उनको खरीदने का मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर हीरा और मोती की नीलामी होती है, उन्हें कोई भी नहीं खरीदता। अंत में एक कसाई होता है जो उन्हें खरीद लेता है। नीलाम होकर दोनों हीरा और मोती डडियल किसाई के साथ, डडियल किसाई होता है उसके साथ वो जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों अपने भाग्य को कोस रहे होते हैं, मतलब अपनी किस्मत को कह रहे थे, अरे यार अपना तो बहुत ही ज़्यादा बैड लक है। अब आपको पता ही है कसाई के साथ जा रहे हैं, और कसाई इनके साथ क्या करेगा क्लियर होना चाहिए आपको। कसाई उन्हें ज़ोर ज़ोर से भगा रहा था, अरे जल्दी चलो भाई जल्दी चलो। रास्ते में उन्हें बहुत सारे गाय और बैल दिखते हैं। जब वो गाय और बैलों को देखते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है कि यार देखो ये तो कितने खुश हैं, इन्हें इनको ऐसा भी नहीं लग रहा कि हम लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। हीरा और मोती बेचारे ये सोचते हैं कि ये जितने भी गाय और बैल हैं रास्ते के अंदर, ये कितने स्वार्थी हैं, हमने तो काजी हाउस वाली जेल में कितने जानवरों की मदद करी थी, ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। इनको बड़ी ही चिंता होती है। जब ये रास्ते से जा रहे होते हैं, अचानक से इनको ध्यान आता है कि ये हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये रास्ता तो जाना पहचाना सा लग रहा है, इस रास्ते पे तो शायद हम पहले कभी आए हैं। जैसे जैसे हीरा और मोती को रास्ता पहचान में आ रहा था, उनके शरीर में जान आती जा रही थी, उन्होंने अचानक से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते जोर से वो पता है कहाँ पहुँचे, अपने पुराने मालिक झूरी के घर पर। जैसे ही वो झूरी के घर के नज़दीक आए, झूरी भी भागता हुआ आया, और उसने अपने दोनों बैल हीरा और मोती को गले लगा लिया। दोनों बैलों ने जो झूरी था उसके हाथ को चाटना शुरू कर दिया। डडियल किसाई ने आया और वहाँ पर उसने इन दोनों बैलों की रस्सी को पकड़ लिया, और झूरी ने फिर डडियल किसाई को बोला कि ये दोनों बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है, ये मेरे बैल हैं। ये जो दोनों बैल थे, इन दोनों बैलों ने अब डिसाइड करा कि भाई मजा चखाया जाए इस डडियल किसाई को। तो मोती ने उस डडियल किसाई को सींग मार मार कर, पता है झूरी के घर से दूर ही नहीं गांव से ही भगा दिया, अब गांव से ही दूर भगा दिया। झूरी ने डिसाइड करा कि मैं इन दोनों बैलों को खाने पीने की चीज़ें डालता हूँ। तो जो नाद होती है, बेसिकली एक ऐसा बनाया होता है, एक जगह बनाई होती है जहाँ पर जो भी जानवर है उनको खाना पीना डाला जाता है। तो जो नाद होती है वहाँ पर वो खली भूसा चौकर ये सारी खाने की चीज़ें होती है जो जानवर खाते हैं बड़े ही चाव से। तो इन सारी खाने की चीज़ों को झूरी ने डाला और दोनों बैलों को बोला कि भाई जाओ खाओ।
दोनों मित्र खाने लगे। बड़े ही अच्छे से उन्होंने पूरी मतलब चारा वगैरह खाया। गांव में सब लोग बहुत खुश हो गए और जो मालकिन थी यानी कि झूरी की जो पत्नी थी वो भी बहुत खुश हो गई थी। शुरुआत में उसी ने इन दोनों को नमक हराम बोला था, अब वही भागी भागी आई और दोनों का माथा चूमा। यहीं पर जो हमारी स्टोरी है वो फिनिश होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर से अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता करने हैं तो हमने स्पेशली सैम्पल पेपर्स के अंदर तैयार करें स्पेशल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर आपको कैसे मिलेंगे, सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है तो आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाओगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन, मनुष्य ज्ञान लेते रहो।